आप मुझे बोल रहे थे कि तुम हसनैन से कैसे मिल गई भाई? हम लोग कॉलेज में मिले थे गाइस। हाँ एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने मेरी पिछली व्लॉग में ये नया मिरर देखा होगा, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया अभी कि मैं पूरा आउटफिट अपना दिखा सकूं। अभी ईद में सिर्फ आई थिंक 3 दिन रहते हैं और ये मैं व्लॉग कब डालूँ ये मुझे कोई आइडिया नहीं। हम जा रहे हैं फेशियल करवाने। मेरे फेस पर बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ चिक टिंट अप्लाई किया है और यहाँ पर भी थोड़ा सा मस्करा लगाया बस। और स्किन केयर में तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, और मैंने ये इसीलिए रखा है अपने मिरर पर जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ, क्योंकि यही मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मैं इसको ढक देती हूँ और मैं यहाँ नमाज पढ़ती हूँ। देखो ये मेरा पूरा आउटफिट ऑफ द डे। फेशियल करवाने के बाद हम इंशाल्लाह टाउन भी जाने वाले हैं, टाउन मतलब मोहम्मद अली रोड। थोड़ी सी शॉपिंग करने जाने वाली हूँ मैं, बिकॉज मेरा ईद का आउटफिट अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ। होपफुली इन दिस व्लॉग मैं अपने ईद का आउटफिट सेट कर लूंगी। लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड। क्लिनिक पे हमारे एक और एक दोस्त आने वाला है, मैं आपसे मिलाऊंगी उनको। कैरिंग माई सुपर न्यू बैग, कितना प्यारा लग रहा है ना गाइज, मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को। मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करके आ रही है। मैं आ गई हूँ सैलून एंड सी हु इज हियर। हाय, सब मुझे बोल रहे थे कि तुम हसनैन से कैसे मिल गई भाई, कैसे मिले मतलब यहाँ पर मिल गए। हम लोग कॉलेज में मिले थे। हाँ कॉलेज में हम लोग मिल गए थे, उसके बाद में बहुत दिन के बाद हम लोग यहाँ पर मिले थे। हाँ यहाँ से तो 2 साल बाद मिले। अभी भी कब से आया हसनैन? तो अभी ट्रीटमेंट हो रहा है हसनैन का। अच्छा अच्छा, मतलब मजा आ जाएगी तुमको देखना। हाँ ग्लो आएगा ना तब तुमको खुद ही मजा आ जाएगी। चार लोग पूछेंगे क्या करवाए हो, वैसा बोलना ऐसी स्किन चाहिए तो डॉल्चे आइए, ऐसी स्किन चाहिए तो डॉल्चे आइए। चलो ऑल द बेस्ट। यस A few moments later. हमारा सब हो चुका है। सो गाइस ये देखो अपना ब्लॉग एंड करते हैं, और ये देखो चांदनी ब्लॉग बना रहे हैं। करो और सब्सक्राइब करो गाइस, यस, और सपोर्ट करो। हसनैन तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो, अभी ये क्लिप बताती हूँ तुमको, रुको देखो लाइट वन में। बाय गाइस, यस दिख रहे हो लाइट वन में भी, देखो ये सब दिखाओ तुम कितने अच्छे लग रहे हो। अभी नहीं, आपको छुपा रहे हो। हाय गाइस, सो मैं FS कलेक्शन आई हूँ सुमैया के साथ, एंड ही इज द गाय हु इज शोइंग अस द ड्रेसेस। आपका नाम बताओ, वो बताओ कि आप ही मिलोगे जब भी आओगे, जो भी आएगा FS। ये हमारे पास 1500 से स्टार्टिंग आएंगे। आफ्ताब नाम है ना आपका? अल्ताफ। अल्ताफ, यस। तो अफ्ता अल्ताफ बता रहे हैं बेसिक इनके 1500 से स्टार्ट होते हैं गाइस। यस, ये पाकिस्तानी ड्रेसेस आप देखते हो ना, मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पर्पल वाला। यस आई लाइक दिस वन। ले भी ले। हाँ ये वाला साइड ही कर दो। हाँ ये ब्लैक भी मस्त लग रहा है, ब्लैक भी वेरी नाइस। मैं इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी व्लॉग डाल दूंगी, तो आप यहाँ से ले सकते हो आके FS कलेक्शन से। वाओ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसकी क्या प्राइस है? ये 4550 का। अच्छा, और ऐसे हैवी लेना रहेगा तो हैवी का रेंज क्या है स्टार्टिंग? हैवी के अंदर 7000-8000 से स्टार्टिंग है। नाइस, चलो अच्छा है। मतलब ये ऐसे ऐसे पीस 7000-8000 में आएंगे। तो ये सारे बुटीक पीसेस ही है गाइस, मतलब ये नॉर्मल पीसेस नहीं है। Heavy. सब कुछ नहीं खोलना भाई, वही फिर आपको फोल्ड भी करना पड़ेगा। Heavy के अंदर एक डिजाइन में बता। वाओ ये देखो कितना स्मार्ट लग रहा है। क्या प्राइस है? 3500 की रेंज। वाओ गाइस, ये प्राइस में आपको इतना प्यारा पीस मिल रहा है, ये बुटीक से लोगे आप 10-10, 20-20 हजार रुपए का मिलता है। 4200 की रेंज में आ जाएगा। ब्लैक अलग ही लगते है। वाओ ये देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, भगा मगा माला भगा, थोड़ा वैसा टाइप से ना जगह पाकिस्तानी स्टाइल में कुछ नहीं है,
अच्छा लग रहा है। स्टाइल में कुर्ती है, ये पाकिस्तानी स्टाइल का अरेबियन है, ये सिनोन। बहुत सारे कलर्स वैरायटीज आपको मिलेगी, ये देखो ये 4500 की रेंज का। ये वाला एक मैंने सिलेक्ट किया, मुझे बहुत पसंद आया, देखते ही उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया। तो आप आओगे यहाँ तो वो सजेस्ट करेंगे आप पे क्या अच्छा लगेगा। और मेमन ही है अपने भाई, तो जरूर आना गाइस। मुझे बैठे बैठे पता चला कॉन्वर्सेशन में, वो भी बोल दो वो खुद बता देंगे, कोई लाइन मारेगा तो है ना कि मैं शादी। डेली वेयर कलेक्शन इनके यहाँ वहाँ पर बहुत अच्छे कलेक्शन है। मैंने इसमें एक ब्राउन या पर्पल है, पता नहीं मुझे कौन सा तो शेड है, वाइन कलर है, वाइन कलर है, यस। पर सबसे बेस्ट मुझे यही लगा जो आपने मुझे बताया। मैं मेरी नजर गई थी बट मैंने बोली यार वो डमी से कैसे निकलवाऊ, मैं आपको सजेस्ट कर दिया आपने। तो ये डेली वेयर के है गाइस कलेक्शन उनके पास, बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी जो ड्रेसेस होते हैं वैसे। फाइनली हमारी शॉपिंग डन हो गई है और वो ब्लैक वाला भी हमने लिया। हाँ देखो ये पिंक बहुत प्रिटी है ये। अभी चलते हैं कुछ खाने, सहरी का वक्त हो रहा है आज, सहरी मेरी टाउन में ही हो रही है गाइस। शॉपिंग हो गई है हमारी, अभी मैं सुमैया के घर जा रही हूँ सहरी के लिए, बिकॉज बाहर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए और मुझे बिल्ली से भी मिल जाए तो अभी हम जा रहे हैं घर। A few moments later. इन्हीं के लिए तो मैं आई थी। चुंदरी बेटी आई थी लोग के लिए। सुंदर बच्चे कैसे देख रहे हो, ये मेरा सबसे सुंदर यो कैसा बैठा है, मसाज करो इसको बोलता है। फर्स्ट व्लॉग में इंटरप्ट कर रही हूँ, देखो शिफा की थैली के अंदर मिली, देखो ब्लू बेरी घुस के बैठी है। क्या तुम भी पार्सल होके जाना चाहते हो शिफा को मेमन के साथ? देखो ये जा रहा है। ये भी जा रहा है कपड़ों के साथ साथ, ये भी जा रहा है। कितना प्यारा लग रहा है मम्मा, कितना मीठा लग रहा है। ये मेरा मुसल्ला, मेरे मुसल्ले पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। ये क्या ओला है, ये खाना खा रहे हैं और ये भी लोग है। हाँ देखो ये देखो अपनी माँ का खाना खा रही है, बताओ। नहीं गलत कर दिए तुमने, बराबर बैठे थे उन लोग, ग्रे ब्लैक ग्रे ब्लैक। बच्चे भी देखो ना कैसे दिए है उसने, ग्रे ब्लैक ग्रे। गाइस प्लीज माशाल्लाह बोला ना तो ये बच्चों की मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, अल्लाह ना करे। सुमैया और ओरियो जा रहे हैं मुझे घर छोड़ने, गाइस सुबह हो गई है बहुत, और सुमैया का भाई भी आ रहा है गाड़ी से, अभी ये लोग मुझे छोड़ेंगे मेरे घर। मैंने इन लोगों को बोला भी कि मैं कैब में चली जाऊंगी, बट ये लोग बोले कि नहीं हम लोग चलते हैं छोड़ने। तो मैंने बोली ठीक है चल लो, हाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, बोले हम लोग अभी कल भी आ रही हूँ मैं सुमैया, हाँ कल भी ड्रॉप कर देंगे। यस ये ओरियो के कान दिला देना मुझे अपनी लैला के लिए और अपनी जैनी के लिए, ठीक है। हाँ डन। फाइनली आई एम होम, महाम ने कुछ ड्रेस भेजे मुझे, लैला भी आ गई है। आओ इधर आओ। नहीं आऊंगी मैं, मेरे लिए कुछ लाया नहीं आपने। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।